बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर फ्रॉम फार्मा डिग्री कॉलेज पेशावर। डेफिनेशन है साइटोप्लाज्म का, द रीजन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ डेंस एंड ग्रेन्यूलर पार्ट ऑफ द सेल एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंसेस। इट्स सॉल्युबल पार्ट इज कॉल्ड साइटोसोल। सॉल्युबल पार्ट्स को साइटोसोल कहा जाता है। साइटोप्लाज्म कंटेन साइटोप्लाज्मिक बॉडी विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिल्स। और ऑर्गेनिल्स फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, सो केमिकली साइटोप्लाज्म में वाटर होता है, वाटर 90% मौजूद है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ट्रू सॉल्यूशन होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में है, दीज आर ऑल स्मॉल साइज बायोकेमिकल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ विच डिसॉल्व इन वाटर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो वाटर मौजूद होता है तो ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स में डिजॉल्व होते हैं। और इसका मिसाल क्या है, दैट इज साल्ट्स, दैट इज शुगर, एमिनो एसिड्स और विटामिन्स एटसेट्रा। इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन आर दीज आर द लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म अ हेटरोजीनियस सॉल्यूशन इन द साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड है, फॉर एग्जाम्पल आरएनए है, क्योंकि ये पॉलीमर्स है, मेन यूनिट से बनते हैं। इसके अलावा जो है कोलाइडल सॉल्यूशन में भी सोल और जेल, ये सोल में भी है और जेल भी है। सोल वो पार्ट होता है जो नॉन विस्कस होता है और जेल साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है जो विस्कस होता है, जिसमें गाढ़ापन हो या जेली लाइक सब्सटेंसेस हो। इसके अलावा फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में देखें, साइटोप्लाज्म एज ए स्टोर हाउस, ये स्टोर हाउस के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल बायो मॉलिक्यूल स्टोर हियर, दैट इज एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड एटसेट्रा। साइटोप्लाज्म एक्ट एज ए साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस, मेटाबॉलिक प्रोसेस के तौर पे भी काम करता है। और मेनी सब्सटेंसेस आर सिंथेसाइज्ड हियर, साइटोप्लाज्म में मेनी सब्सटेंसेस भी बनते हैं, जिसका एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन होता है और साइटोस्केलेटन मेंटेन द शेप ऑफ सेल एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिल्स। इसके अलावा जो है इट आल्सो प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट, साइटोप्लाज्म सेल को एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेल में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं या ऑर्गेनिल्स मौजूद होता है, इनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट, ये था साइटोप्लाज्म के बारे में।